यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, कांगड़ा की बात करेंगे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद शांता कुमार के अगला चुनाव न लड़ने का ऐलान करने के बाद भाजपा ने नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि टिकटों का फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में ही लिया जाता है। सत्ती ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल तो कई तोहफे मिले हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में पुनः भाजपा चारों सीटों पर कब्जा जमाएगी। वहीं सत्ती ने कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी पलटवार किया। सत्ती ने कहा कि कानून व्यवस्था का जनाजा तो कांग्रेस कार्यकाल में ही निकाला गया था। भाजपा की सरकार कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में प्रयास कर रही है। तो बीजेपी ने नए उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है। कांगड़ा से नया चेहरा कौन होगा? शांता कुमार ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है कि आगे से आने वाले किसी भी चुनाव को शांता कुमार की ओर से नहीं लड़ा जाएगा, जिसके चलते बीजेपी ने अपना नया चेहरा तलाशना भी शुरू कर दिया है। तो कांगड़ा से बीजेपी का नया चेहरा कौन रहेगा और शांता कुमार ने जिस तरीके से चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है, उसके बाद बीजेपी ने यह तलाश शुरू की है कि नया उम्मीदवार कौन बनेगा बीजेपी का, कांगड़ा से बीजेपी का नया चेहरा कौन होगा। इस चीज के लिए पार्टी ने तलाशना शुरू कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि शांता कुमार ने कुछ दिन पहले इस तरह का ऐलान किया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके चलते अब पार्टी ने, भाजपा की जो पार्टी है, उन्होंने अब अपना नया चेहरा तलाशना शुरू कर दिया है।